भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज से पहले करीब 500 ऐसे मीटिंग्स में कर चुका हूं जिसमें हमारे मेडिकल साइंस से जुड़े हुए डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ में मैंने डिस्कशन किया, और ये करीब 10 साल तक मैं करता रहा कि योग एंड मेडिकल साइंस ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। योग अपने आप में एक मेडिकल साइंस है एंड विदाउट योगा मेडिकल साइंस अधूरी है, इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। ये मैंने देश में, विदेशों में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, अनेक जगहों पर भी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एम्स से लेकर के, गंगाराम से लेकर के, अपोलो से लेकर के, सब जगह मैंने ये मेडिकल टॉक रखा। और आपके बीच में कुछ योग एंड मेडिकल साइंस के बारे में महत्वपूर्ण कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। मेडिकल साइंस कितनी पुरानी है? जितना पुराना मनुष्य का अस्तित्व है उतनी पुरानी मेडिकल साइंस है। करीब 200 करोड़ वर्ष हो गए इस दुनिया को बने हुए, उसमें मनुष्य की सृष्टि कब हुई इसको लेकर के प्रश्न है। लेकिन जब से मनुष्य की सृष्टि हुई इस सृष्टि में, 200 करोड़ वर्ष पुरानी सृष्टि में जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तभी से उसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया था। व्हाट इज माय बॉडी, व्हाट इज माय टोटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज माय माइंड, व्हाट इज सोल, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डिजीज फ्री लाइफ, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज पेन, एंड व्हाट इज द हेल्दी वेल्दी पेन फ्री प्रॉस्परस पीसफुल लाइफ, इस सब के बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया। मॉडर्न मेडिकल साइंस करीब 200-250 वर्ष पुराना है। मॉडर्न मेडिकल साइंस एक तरफ है, हमारा एंसेंट मेडिकल साइंस, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, धन्वंतरी, वाग्भट, ऐसे एक ऋषियों की परंपरा है, अश्विनी कुमारों से लेकर के रामायण काल में सुषेण आदि वैद्यों से लेकर के। थेरेपीज इसमें अलग अलग है, पैथी अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बॉडी का जो सिस्टम है वो तो बॉडी का सिस्टम है, अब एलोपैथी के डॉक्टर को भी वही सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब एक एक सेल है, उस सेल के रिसेप्टर्स हैं, उसके जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उसका डीएनए, उन सेल्स के मिलने से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के मिलने से डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स से फिर पूरा सिस्टम हमारा डेवलप होता है। रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स क्रिएटेड, डाइजेस्टिव क्रिएटेड, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोइम्यून सिस्टम, वॉलेंट्री सिस्टम, ऑटोनोमिक सिस्टम, ये तो सिस्टम अपना वर्क करता है। उस सिस्टम में कोई अवरोध आ गया, उस सिस्टम कहीं से ब्रेक होने लगा, इंबैलेंस होने लगा, तो डिजीज आ गई। एवरी इंबैलेंस इन अवर बॉडी, इन अवर सिस्टम, दिस इज कॉल्ड डिजीज।
यदि हमारा सिस्टम बैलेंस रहे तो हम डिजीज फ्री लाइफ जीते हैं। एलोपैथी और योग में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, जो हमारी प्रैक्टिस है कैसे डिजीज को के साथ में हम डील करते हैं, डिजीज के साथ में डील करने की जो प्रैक्टिस है उसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वो फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि एलोपैथी में हम सिम्टम्स के ऊपर वर्क करते हैं कि हमारी बॉडी में सिम्टम आया। क्या सिम्टम आया? ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, शुगर हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, यूरिक एसिड हाई हो गया, ईएसआर हाई हो गया, बॉडी वेट ओवर हो गया, प्रोलैक्टिन कार्टिसोल एसीटीएच बढ़ गया, स्ट्रेस हाई हो गया, एसिड का लेवल बढ़ गया, गैस बढ़ गई, किसी भी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं? सिक्रेशन कम होने पर बॉडी के उन उन ऑर्गेन्स को, उन उन सेल्स को हम एक्टिवेट करते हैं जिससे कि वो सिक्रेशन फुलफिल हो जाए किसी भी केमिकल सोर्स या हार्मोन का। दिस इज एलोपैथी। कोई सिक्रेशन कम हो गया उसको हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, कोई सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है उसको डिक्रीज कर दिया, ब्लॉक कर दिया उस सिक्रेशन को। जब बॉडी का सिस्टम काम नहीं कर रहा है ठीक से, उस सिस्टम को पुशअप करने के लिए स्टेरॉइड दे दिया, लंग का सिस्टम बहुत वीक हो गया, एकदम फेफड़े जाम से हो गए, आदमी की डेथ हो सकती है, तो उसको स्टेरॉइड देकर के एकदम से उसके पूरे इंटरनल सिस्टम को पुशअप किया, केमिकल सोर्स हार्मोन्स हमने दिया स्टेरॉइड। या कई बार अंदर से कोई चीज बन ही नहीं रही, अंदर से पेनक्रियाज से इंसुलिन बनना बंद हो गया तो इंसुलिन इंजेक्ट कर दिया। जो भीतर चीजें बननी बंद हो गई तो बाहर से उस केमिकल को, सोल्ट को, हार्मोन को या किसी भी इंसुलिन आदि को बाहर से इंजेक्ट कर दिया। ये तो एलोपैथी है, ठीक है, जहां जरूरी है कि कोई चीज अंदर है ही नहीं, अब बन नहीं रही है, पेन के ऐसे इंसुलिन, तो इंसुलिन को अंदर जो है इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको बनाने के लिए भी तो प्रयत्न करना है। बाहर से किसी केमिकल सोर्स हार्मोन की कमी पड़ गई, एकदम से विटामिन डी थ्री, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन ए बी सी की कोई भी डेफिशिएंसी आ गई, आयरन की, प्रोटीन की, किसी भी चीज की डेफिशिएंसी आ गई तो उसको बाहर से इंजेक्ट कर दिया। प्लेटलेट कम हो गए एकदम से तो बाहर से इंजेक्ट कर दिया, आरबीसी कम हो गया तो बाहर से इंजेक्ट कर दिया। ये तो एलोपैथी है। एलोपैथी मोस्टली बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड योग इज बेस्ड ऑन सिस्टम। हम लोग सिम्टम्स के ऊपर डायरेक्ट वर्क नहीं करते, हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं सिस्टम के ऊपर। आपका सिस्टम अच्छा होगा तो सिम्टम्स अपने आप नॉर्मलाइज होते जाएंगे, सिस्टम नॉर्मल होता जाएगा, सिम्टम्स नॉर्मलाइज होते जाएंगे। जैसे मैं आपको 5-7 उदाहरण देता हूं। वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे? कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम लेकर के गया, आप उस शुरू में कुछ सॉल्ट्स देंगे जिससे कि लंग थोड़ा खुल जाए, ऑक्सीजन पूरा मिल जाए, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाए, उसके लिए आपने उसको कुछ ड्रग्स दे दिए। बहुत ही ज़्यादा सिस्टम वीक है तो आपने उसको स्टीराइड दे दिया। हम क्या करेंगे? हम उसको कुछ नहीं देते, नो सॉल्ट, नो केमिकल, नो स्टीराइड, तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं श्वास लो। इमरजेंसी में जरूरी है वो, लेकिन इन नॉर्मल लाइफ
अटैक पड़ गया तो उसको ऑक्सीजन भी देना पड़ेगा, स्टीराइड भी देना पड़ेगा, जरूरी है लाइफ को सेव करने के लिए। बट अटैक तो हमेशा नहीं पड़ता ना, कभी कभी आता है, तो उसको नॉर्मल लाइफ में उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा दो, भस्त्रिका एंड कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जायी, तो ये हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा दी, उससे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो गया, तो इसका इनहेलर नेबलाइजर धीरे धीरे बंद हो गया। हजारों लाखों लोगों पर मैंने किया, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, उनका इनहेलर छूट गया, एस्थमा क्योर हो गया थ्रू योर प्रैक्टिस। दिस इज गुड फॉर ह्यूमन बीइंग, इसमें क्या दिक्कत है भाई? उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि स्ट्रांग हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ये सब प्रॉब्लम्स उसका सॉल्व हो गया ना। दिस इज वन थिंग। एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है लंग फाइब्रोसिस। देयर इज नो मेडिकेशन इन मॉडर्न मेडिकल साइंस फॉर लंग फाइब्रोसिस। तो हमने उनको भी प्राणायाम करवाया और कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस दिए, वासा, बनप्सा, मुलेठी, गिलोया, तुलसी, शिलाजीत, ऐसे कुछ ये आयुर्वेदिक मेडिसिंस हैं। इसको देने से रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता है। हम च्यवनप्राश देते हैं, हम वासारिष्ट देते हैं, वासावलेह देते हैं, कंटकार्यावलेह देते हैं, हम उसको त्रिकुटा देते हैं, सितोपलादि देते हैं, ऐसे कुछ आयुर्वेदिक चीजें देते हैं, शिलाजीत देते हैं, हल्दी देते हैं, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। इसमें क्या दिक्कत है? किसी को भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाता है तो क्या हम देते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं, उसको हम कैरेट का जूस देते हैं, एप्पल का जूस देते हैं, मुनक्का देते हैं, अंजीर देते हैं, क्यों? उससे उसको फुलफिल हो जाए तो उसकी कमी हो पूरी हो गई। कुछ चीजें खाने की चीजों से पूर्ति होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ चीजों को खाने से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। आयुर्वेद में डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं, मेडिसिंस हैं, हर्ब्स हैं, किसी से हमारा लंग मजबूत होता है, किसी से हमारा ब्रेन, किसी से हमारा नर्वस सिस्टम, किसी से लिवर, किसी से किडनी, किसी से स्किन, किसी से बोन्स, तो वो भी आयुर्वेद की मेडिसिन हम देते हैं, योग कराते हैं। दिस इज द वन वे सिस्टम को स्ट्रांग करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करना। एक एग्जाम्पल दिया। सेकेंड, अब किसी का लीवर वीक हो गया, लीवर वीक हो गया तो एलोपैथी में तो कोई मेडिसिन ही नहीं है कि लीवर वीक है, कोई मेडिसिन नहीं है। फैटी लीवर है, कोई मेडिसिन नहीं है। विद इन ए वीक किसी का एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, ब्लीरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है, उस का लीवर पर स्वेलिंग है, लीवर सेर से स्टार्ट हो गया है, मैंने क्रिटिकल पेशेंट्स को डील किया, फिर हेपेटाइटिस और वो आगे की चीज है, हमने उसको ऐसे कराया तो लीवर की एक्टिविटी बढ़ गई, लीवर की जो नेचुरल उसकी जो साइकिल है, लीवर का नेचुरल साइकिल अच्छा हो गया, एसजीओटी एसजीपीटी तो विद इन ए वीक 100% नॉर्मल आ जाता है। मैंने कैसे रोगियों को डील किया है, 200-400 एसजीओटी एसजीपीटी, 200-400, 30-40 होना चाहिए प्राणायाम करने से, विद इन ए वीक ठीक हो गया, नॉर्मल फूड दे दिया, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दे दी, पुनर्नवाद रिष्ट, पुनर्नवाद मंडूर, गिलोय, पुनर्नवा, एलोवेरा,
एंड भूमि आंवला, कुछ ये रस हैं। एक है शोनाक, इधर नॉर्थ ईस्ट में बहुत होता है, हमको यही से पता लगा, हमने शोनाक से उसको टोटला बोलते हैं। एक इधर कमिश्नर थे आसम में, श्रद्धाचार्य बालकृष्ण जी आए तो उस कमिश्नर ने बताया कि उनकी फैमिली में कोई जॉन्डिस की दवाई देता है, तो पता लगाया हमने, खोजा किसी भी आयुर्वेद के ग्रंथ में, शास्त्र में, चरक सुश्रुत में, निघंटो आदि में, किसी अथर्वेद आदि में कहीं पर शोनाक के बारे में यह नहीं लिखा हुआ कि यह लीवर की मेडिसिन है, लेकिन उसका हमने इसको कहते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, परंपरागत ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ट्रेडिशनल नॉलेज से पता लगा कि ये तो लीवर में काम करता है, हमने ठीक किया। फास्ट हमारी डॉक्टर हमने ठीक की, उसका नाम था डॉक्टर भारती, वो बहुत सीनियर डॉक्टर थी, रामकृष्ण मिशन में सेवा करती थी, अभी भी होंगी, कई साल होगी मेरे, करीब 15 साल हो गए उनसे बात नहीं हुआ अभी। तो वो हमारी फर्स्ट पेशेंट थी जिसको क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गया था और एक चम्मच भी पानी अंदर नहीं जाता था। हमने उसको भूमि आंवला, एक पौधा है, दिस इज एवरीवेयर, पूरे इंडिया में होता है, भूमि आंवला पुनर्नवा, पुनर्नवा वन टाइप ऑफ ए रूट, भूमि आंवला पुनर्नवा एंड मकोय, मकोई भी एक हब है, ऐसे ही कोई भी बच्चे उसके फल खाते रहते हैं, एलोवेरा, वीटग्रास, ये हमने थोड़ा थोड़ा जूस पिलाया, विद इन 3 डेज वो इंटेक करने लगी, नहीं तो मर जाती, बच गई। फिर उसको प्राणायाम बताया, जिंदा हो गई, अभी तक भी जिंदा है, अभी तो कई दिनों से मेरी बात नहीं हुआ है, बीच बीच में कभी कभी आचार्य बालकृष्ण जी से बात होती रहती है। खैर, तो लीवर के लिए, लीवर के सिस्टम को अच्छा करना, पूरा यूनिवर्स आदमी चला रहा है क्या, दिस होल यूनिवर्स इज वर्किंग ओन सिस्टम, हिज ओन सिस्टम, उसका अपना एक सिस्टम है, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये धरती, ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां और मनुष्येतर जीव, गाय, गधे, घोड़े, कबूतर, सब सब जो भी नेचर को फॉलो कर रहा है वो स्वयं में डिसिप्लिन्ड है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो डिजीज, नो स्ट्रेस, नो बीपी, नो शुगर, नो ओबेसिटी, कुछ नहीं। अपने नेचर को फॉलो करने से सारी सृष्टि ठीक है। नेचर के साथ सबसे ज्यादा गड़बड़ ह्यूमन बींग करता है, बाकी सारी सृष्टि नेचर को फॉलो करती है। शाकाहारी जीव शाकाहार खाते हैं, मांसाहारी मांसाहार खाते हैं, जितना ही जरूरत है उतना खाते हैं, उससे ज्यादा नहीं खाते हैं, टाइम से सो जाते हैं, टाइम से जग जाते हैं, जो नेसेसरी है उतना ही सेक्स करते हैं, उससे ज्यादा कोई भी जीव जंतु सेक्स नहीं करता है। आदमी का दिमाग खराब रहता है, यह हमेशा उल्टा पुल्टा करता रहता है, इसलिए प्रॉब्लम्स है। खैर, लीवर के लिए मैंने बताया, अब इंटेस्टाइन, अब इंटेस्टाइन का बड़ा प्रॉब्लम क्या है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंटेस्टाइन इज कोलाइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। कपाल भाती प्राणायाम, फर्स्ट डे 5 मिनट्स, देन 10, देन 15, एंड विद इन ए वीक यू कैन डू दिस 20 to 30 मिनट्स पर डे। जैसे आज सुबह एक भाई बोल रहा था, उसको इंसुलिन लेना पड़ता था, शरीर पूरा बेकार हो गया था, डिप्रेशन आ गया था, कमरे से निकल नहीं सकता था, पैसा था नहीं, प्राणायाम किया 3000 times, 3333, 3333 ऐसा किया और इंसुलिन बंद हो गया, वो पेनक्रियाज का आगे आगे आएगा भी। इससे कोलाइटिस क्योर हो जाता है, मिल्क, शुगर एंड घी, ये 3 चीज बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, नो घी, नो चीनी शुगर एंड नो मिल्क, छाछ दही औषधि है, मिल्क नहीं।
मिल्क प्रोडक्ट में और घी नहीं, छाछ दही इसके लिए औषधि है, तक्र कल्प हम कराते हैं। बिल्व देते हैं, बिल्वादी चूर्ण कुछ आयुर्वेदिक थोड़ा कुछ औषधि देते, नहीं तो विदाउट एनी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। हेपेटाइटिस, यू कैन क्योर योर हेपेटाइटिस, नॉट ओनली हेपेटाइटिस, नॉट ओनली कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस इसे क्योर हो जाता है। सिस्टम के ऊपर वर्क किया, डाइजेशन सिस्टम पूरा बैलेंस, सूजन खत्म हो गया। आकुंचन प्रसारण से जब किसी चीज को एक्सरसाइज देते हैं, गति पैदा होती है उसमें, तो उसकी एक्टिविटी नॉर्मल होने लगती है। जनरल एक्सरसाइज कोई भी, किसी भी अंग का कर लो, हाथ का कर लो, पैर का कर लो, किसी भी ऑर्गन का कर लो, ये मेथड है योग का। किसी का फिलिपियन ट्यूब बंद है, इससे ओपन होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज विद इन ए मंथ ठीक हो जाती है। यूट्रस का फाइब्रस, ओवरी के सिस्ट एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इफ यू आर डूइंग 1.5 आवर मॉर्निंग एंड 1.5 आवर इन इवनिंग, देन यू कैन क्योर योर एवरी प्रॉब्लम विद इन ए मंथ। And if you are doing slowly, slowly, so you can cure your problem within 3 months. 1 to 3 months का समय लगता है। यूट्रस का फाइब्रॉइड्स, ओवरी का सिस्ट, आप पूरा अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी सब करवा करके चेक कर सकते हो। ब्रेस्ट का ट्यूमर, यूट्रस का ट्यूमर डिसॉल्व हो जाता है। ये है पूरा बॉडी का मैकेनिज्म नॉर्मल हो जाता है। ये ऐसा, ये तो ऐसा बताया। नेक्स्ट, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बड़ी प्रॉब्लम। थ्रू कपाल भांति एंड अनुलोम विलोम प्रैक्टिस 100% कंट्रोल में आ जाता है। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस नेगेटिव आ जाता है। दिस इज बिग थिंग। ये है अब, ये पूरा सिस्टम ना एकदम अब नॉर्मल साइकिल पर आ जाता है। ये ऐसे अब ओबेसिटी है, डायबिटीज है, थायराइड की प्रॉब्लम है, अब कपाल भाती, उज्जाई, सिंहासन है, यानी ग्रीवासन ऐसे, और यदि पॉसिबल हो तो उष्ट्रासन या सर्वांगासन, हलासन, थायराइड T3 T4 TSS 100% कंट्रोल, 100% मेडिसिन बंद। हम तो फर्स्ट डे मेडिसिन बंद कर देते हैं और उसके बाद ये प्रैक्टिस करवाते हैं और T3 T4 TSS 100% नॉर्मल आ जाते हैं, 100%। ये क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ, किडनी रिवाइव हो जाती है। फर्स्ट थिंग इज केमिकल स्वस्थ, हार्मोन्स का बैलेंस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, डीजनरेट विद सेल्स भी रीजनरेट हो जाते हैं, ये बड़ी बात है। एंड हमारा भीतर सुप्त शक्ति है। नॉर्मल लाइफ में 1 to 5% हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल एक्टिवेट होता है। शारीरिक बौद्धिक क्षमताएं 1 to 5% हमारी एक्टिवेट होती हैं। 95 to 99% हमारा फिजिकल पावर एंड मेंटल पावर हमारा साइलेंट मोड पे होता है, उसको एक्टिवेट करते हैं। ये तो योग के फिजिकल बेनिफिट्स। इसके अलावा फिर अगली बात शुरू होती है, मैं कहता हूं जहां योग मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस की सीमाएं खत्म हो जाती है, वहां से योग शुरू होता है। वो सेकंड थिंग है कि हमारे अज्ञान का, अविवेक का क्षय, ज्ञान का, विवेक का उदय, शरीर चित्त निर्बीज होना, दिव्य जीवन की प्राप्ति होना। योग तो एक लाइफस्टाइल भी है ना। योग इज अ
साइंटिफिक, यूनिवर्सल एंड सेक्युलर.